भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल एवं अधिवक्ता विनय शर्मा ने जो फतवा जारी किया है वह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इशारे पर किया है। यह आरोप भाजपा नेता संजय शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल एवं अधिवक्ता विनय शर्मा ने जो फतवा जारी किया है ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इशारे पर किया गया है। ये आरोप भाजपा नेता संजय शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। संजय शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत करवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सत्य के खिलाफ फतवा जारी किया है वीरभद्र सिंह उसे पूर्व में भी प्रयोग में लाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें विजिलेंस में करवाने के लिए भी इस व्यक्ति का प्रयोग वीरभद्र सिंह कर चुके हैं। संजय शर्मा ने कहा कि यही कारण था कि वांछित योग्यता नहीं होने पर भी वीरभद्र सरकार में इस व्यक्ति को डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर तैनाती दी गई थी। संजय शर्मा ने सवाल किया कि वीरभद्र सिंह ये बताएं, जिस अधिवक्ता का लाइसेंस 1.5 साल के लिए निलंबित किया गया हो उसे किस मजबूरी में इतने बड़े पद पर तैनाती दी गई थी। संजय शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह आज भी लोकतंत्र की बजाय रजवाड़ा शाही में विश्वास रखते हैं। पिछले 2-3 दिन से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के उनकी बातों को लेकर के जो माहौल एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयत्न जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, उस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया के अंदर एक व्यक्ति है, पेशे से वकील बताते हैं, एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा वो करी है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष की जुबान को काट करके लाने का एक फरमान जो है फतवा जारी कर उन्होंने किया है। उसको लेकर के मेरा आरोप है क्योंकि वो व्यक्ति निजी तौर पे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा ये आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के नेता और विशेषकर वीरभद्र सिंह जी जो है उनका हाथ है और वो प्रदेश के माहौल को जो है वो ऐसी बातें करवा करके हिंसक माहौल जो है वो वातावरण प्रदेश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति को पहले भी वो जो है वो चाहे प्रेम कुमार धूमल जी के मुद्दे रहे हों या HPCA के मुद्दे रहे हों उसको प्रयोग में लाते रहे, उसके द्वारा विजिलेंस के अंदर जो है वो झूठी कंप्लेंट्स जो है वो BJP के लीडर्स के खिलाफ करवाते रहे और उसके एवज में जबकि उस समय में मैंने ये दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस था, डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल ऑफ HP ने इसका लाइसेंस जो है वो 1.5 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया, बावजूद इसके उस पीरियड के दौरान इसको डिप्टी एडवोकेट जनरल जो है वो बनाया गया। जब प्रदेश के पर्सनल विभाग से जो है इसकी जानकारी ली गई उन्होंने भी कहा कि ऐसा इस व्यक्ति के बारे में जो है वो इसको नहीं लगाना है, ऐसी कोई भी जो है वो सरकार की तरफ से हमें आदेश नहीं दिया गया इसलिए इसको डिप्टी एडवोकेट जनरल लगाया। राजा वीरभद्र सिंह बताएं कि उनकी क्या मजबूरी थी ऐसे व्यक्ति को जो है वो प्रदेश का डिप्टी एडवोकेट जनरल जैसे सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर जो है जिसका चरित्र जो है उसके कागजों डिसिप्लिनरी कमेटी झलका रही है कि व्यक्ति कैसा है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इसके खिलाफ केस पेंडिंग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस केस को रेफर बैक करती है बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश को कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप निर्णय लेकर के इस जो इनका डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं और ये सजा कम दी है इसलिए इसको दोबारा जो है वो रिकंसिडर जो है वो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश करे। ऐसे व्यक्ति जो है जिनके अपने चरित्र डाउटफुल हैं वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को जुबान काट करके लाने की धमकी दें और वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के नेता इस बात का जवाब दें कि ऐसे व्यक्ति के साथ उनका क्या नाता है, क्या वो पार्टी का सदस्य है, क्या पार्टी उसको ऑन करती है, उसको अपना मानती है। अगर मानती है तो प्रदेश की जनता जो है वो चाहती है कि ऐसे व्यक्ति के आधार के ऊपर वीरभद्र सिंह से लेकर के कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे प्रदेश की जनता से कि उन्होंने ऐसी टिप्पणियां करवा करके प्रदेश का जो है लोकतांत्रिक माहौल को जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है। इस मुद्दे को लेकर के आज बात अगर नहीं मांगते माफी। इस मौके पर संजय शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा और मंडलाध्यक्ष धर्मशाला कैप्टन रमेश अटवाल भी मौजूद रहे। संजय शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस संगठन का हिस्सा है अथवा नहीं है, यदि है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस क्या कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने पूछा है कि इस तरह की टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति के व्यवहार के प्रति कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व CM वीरभद्र सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।